खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। नोएडा के सेक्टर 11 के मेट्रो हॉस्पिटल में आग लगी, आग को पूरी तरह से काबू में कर लिया गया है। हमारे संग प्रत्यक्षदर्शी जो गार्ड थे वो मौजूद है, बताइए भाई कैसे, क्या हुआ स्थिति, क्या? सर 12 बजे के करीब आग लगी हुई थी, हम लोग बचाने में पेशेंटों को, हम लोग देखिए चोट वोट लग गया है, बहुत काफी लग गया है, बहुत हम लोग परिश्रम किए हैं। तीसरी मंजिल पे बता रहे हैं कि आग लगी है, तो हमारे बंदे जो कि यहाँ तैनात थे उन्होंने तुरंत इस पर एक्शन करके और जो भी इनसे जो इनको हम लोगों ने ट्रेनिंग और ड्रिल सिखाई थी उसके मुताबिक इन्होंने काम किया है। तो ये गार्ड है यहाँ के, उन्होंने स्थिति को कंट्रोल में, शुरू में जो आग लगी हुई लोग यहाँ पर थे उन्होंने तुरंत ऊपर चढ़ के रिएक्शन किया और जो भी आग थी आसपास तोड़ा गया कांचों को, आग को बुझाने के लिए तुरंत यहाँ पर फायर ब्रिगेड भी पहुंच गया। देखिए क्रेन भी अब डाउन कर ली गई है, तो स्थिति ये है कि लगभग सब कुछ अब कंट्रोल में, क्रेन डाउन करके प्रशासन अब यहाँ से लगभग निकलने की तैयारी में और स्थिति पूरी तरह से कंट्रोल में, पेशेंट्स को यहाँ से निकाल लिया गया है। कैप्टन रंजीत के साथ अजय दुबे, बीपी न्यूज नोएडा। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।